तक हास है, जब तक महाराजा आकर रथ पर झाड़ू नहीं लगाते, रथ आगे नहीं बढ़ता। आइए देखते हैं कैसे। ये है पुरी के महाराजा का राजमहल। सैकड़ों साल से जगन्नाथ मंदिर की सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी राजमहल ही उठाता आया है, लेकिन 1995 में उड़ीसा सरकार ने ये दायित्व अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद महाराजा के प्रशासनिक अधिकार तो चले गए, पर मंदिर के रीति रिवाजों, खासकर रथ यात्रा के दौरान उन्हें खास तवज्जो दी गई। रथ यात्रा के दौरान हीरा पोहरा की रस्म अदा की जाती है। इसमें पुरी के महाराजा को रथ की शुरुआत से पहले अपने हाथ से झाड़ू लगाना पड़ता है, इसके बिना रथ आगे नहीं बढ़ता। इसका जो उद्देश्य है बहुत महत्व है। इसमें एक महत्व तत्व भी है कि भगवान जी के सामने सब समान है, सब बराबर हैं, ऊंच नीच नहीं है। और जो भी कोई सेवा भगवान जी को अर्पण करते हुए अगर हम करते हैं, भगवान जी को अर्पण करके करते हैं, तो वो सेवा महान हो जाता है। पुरी के महाराज गंगवंश के अनंत वर्मन चोड़गंग देव के वंशधर हैं, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाया था। महाराज के पद की गरिमा इतनी है कि आज भी श्रद्धालु उन्हें भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। पुरी जो गजपति महाराजा है वो प्रथम सेवक है, फर्स्ट प्रथम सेवक, उनको चलंती विष्णु कहा जाता है। और हमारा जो गजपति महाराजा है उनके सिर्फ प्रथम सेवक है, वो क्या करते हैं, जो रथ यात्रा में छेरा पोहरा होता है वो फर्स्ट छेरा पोहरा करते हैं। केवल रथ यात्रा ही नहीं, नवकलेबर यानी जगन्नाथ की नई प्रतिमा बनाने के समय महाराजा का आदेश जरूरी है। भले ही राजपाट चला गया हो और देश में प्रजातंत्र हो, पुरी के महाराजा की लोकप्रियता और गरिमा जगन्नाथ रथ यात्रा चालू रहने तक बनी रहेगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की लोकप्रियता इतनी है कि दुनिया भर के 97 देशों से लोग इसमें शामिल होने के लिए भारत आते हैं। इस अनोखे रथ यात्रा के बारे में जानने के लिए हर साल सैकड़ों विदेशी पुरी आते हैं, और इनमें से कई तो यहीं के होकर रह जाते हैं। इटली में पले बढ़े 46 साल के नेटियो 14 साल पहले एस्कॉन के जरिए पुरी आए। उन्हें यहाँ की संस्कृति इतनी भाई कि वो यहीं के होकर रह गए। पुरी को अपना कर्मक्षेत्र बनाने से पहले नेटियो इटली की सेना में थे, मगर आत्मा की शांति की चाहत उन्हें पुरी खींच लाई। नेटियो ने अपना नाम तक बदल लिया और अब वो मंडली के नाम से जाने जाते हैं। 3 बच्चों के पिता मंडली अपना बाकी जीवन भी इसी तरह ईश्वर की आराधना में गुजारना चाहते हैं। So I was researched for some height test, so that therefore I come to know is India is the best place for understand yourself and who you are, where we come from, and said which you know in foreign society they have no time for this question. So and Jagannath Puri was for me the best place because. I like to know about Vishnu in this particular form. ऑस्ट्रेलिया, रूस और जर्मनी जैसे देशों से मंडली की तरह कई लोग सैलानी की हैसियत से पुरी आए। यहाँ की आबो हवा उन्हें इतनी भाई कि वो यहीं बस भी गए। इनमें से कईयों के बच्चे भी जगन्नाथपुरी की आध्यात्मिक संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं और वो पुरी छोड़कर अपने देश नहीं जाना चाहते। I spend more almost the bigger half of my life here, so for me it's like a home. So for me all this, I mean, Puri and people here, they are more closer than actually my real country. So for me it's much more. I mean, I like it more here. I like the Jagannath. I like people here. I have lots of friends. So for me this place is like more likely to stay here. इन श्रद्धालुओं को बस एक ही मलाल है, 7 समंदर पार से आने के बावजूद आज भी इन्हें मंदिर के भीतर जाना मना है। इन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन सिर्फ स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा के समय ही होते हैं। भले ही साल भर इन्हें ईश्वर के दर्शन का अवसर न मिले, लेकिन वो अपनी साधना और भक्ति से अपने आप को हमेशा ईश्वर के करीब ही पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा है। इसकी क्षमता इतनी कि मंदिर के अंदर चाहे जितने भी श्रद्धालु क्यों ना आए, महाप्रसाद के बगैर कोई भी नहीं लौटता।
ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर मौजूद है। इसमें 752 चूल्हे हैं, जहां 80 किस्म के पकवान यानी महाप्रसाद एक साथ बन सकते हैं। महाप्रसाद बनाने में करीब 1000 सुवार यानी रसोइये लगे रहते हैं। इन सुवारों की मदद के लिए अलग से करीब 2000 लोग इनके साथ होते हैं। हर रोज लगभग 25,000 से 50,000 लोग इस महाप्रसाद का सेवन करते हैं और रथ यात्रा के दौरान ये संख्या लाखों में होती है। इसमें सूखा प्रसाद भी बनता है और कच्चा दाल भात साग सब्जी ये सब बनता है। प्रत्येक दिन 1000 आदमी यहाँ चौका में रांधते हैं, प्रसाद बनाते हैं। इस महाप्रसाद को पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रहती है। मंदिर के अंदर इसकी बिक्री और सेवन के लिए खास जगह बनी है, जिसे आनंद बाजार कहा जाता है। इस जगह पर छुआछूत जात पात का भेदभाव नहीं होता और सभी एक साथ एक जगह पर महाप्रसाद खाते हैं। आप जितने लोगों को चाहे खिला सकते हैं, जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। वहाँ हजारों लोगों के लिए खाना पकता है। इस महाप्रसाद की अहमियत उड़ीसा के खास पर्व और शुभ मौकों पर और बढ़ जाती है। देश भर में महाप्रसाद को पोस्ट के जरिए भेजने का भी इंतजाम है। दूसरे देशों से इसकी मांग को देखते हुए इसे विदेशों में भी पोस्ट के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रथ यात्रा से जुड़े कई और दिलचस्प पहलू।